नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेन का कंफर्म टिकट लेने के लिए कितना ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती है और अंतिम मौके तक भी आपको टिकट कंफर्म नहीं मिलता है। 3 महीने जितना शुरू होता है, मतलब मान लीजिए कि 3 महीने पहले शुरू होता है और पहले दिन ही आप जब बुक करना शुरू करते हैं तो पहले दिन ही वेटिंग में चला जाता है, इतना ज़्यादा टिकट का मारामारी है। इस कड़ी में अब रेलवे जो है वेटिंग टिकट को लेकर बड़ा बदलाव कर रहा है। बड़ा बदलाव को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसको लेकर मैं आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आपको एक बात तो पता होगा कि वेटिंग टिकट को लेकर कि वेटिंग टिकट आप देखिए ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन टिकट जब आप लेते हैं और वो कंफर्म नहीं होता है तो आपका पैसा जो है कुछ काट कर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म से टिकट लिए होते थे तो भले ही वो टिकट वेटिंग में रहता था, आप जो है वो यात्रा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था और उसी पैसे में आप यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब जो है रेलवे ने वो क्या किया है कि वेटिंग टिकट बंद कर दिया है, यानी कि वेटिंग टिकट लेकर आप जो है स्टेशन से भी टिकट लिए हैं और वो लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर टीटी पकड़ लेता है तो आपको फाइन भी ठोकेगा, ऊपर से अगला स्टेशन पर उतार भी देगा, जिससे कि हजारों हजार की संख्या में जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको काफ़ी बड़ी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, बड़ी बड़ी समस्याएँ झेलनी पड़ रही है। इस कड़ी में अब जो है रेलवे 2025 में कुछ ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाला है जिससे हर व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल जाएगा, हर व्यक्ति को कंफर्म टिकट मिल जाएगा और कंफर्म टिकट वाला व्यक्ति ही सफ़र कर पाएगा। दरअसल बात करें तो आपको पता होगा कि आजकल ट्रेनों में जाकर देखते थे तो 200, 300, 400 तक वेटिंग चला जाता था, उसके बाद रिग्रेट होता था। यानी कि मतलब ये है कि 400 टिकट आप ले सकते हैं वेटिंग, इसके बाद रिग्रेट हो जाता था तो आपको फिर टिकट नहीं मिलता था। अब उन 400 में कितना कंफर्म होगा इसको लेकर किसी को भी आइडिया नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। लोग वेटिंग टिकट ले लेते कि चलो भाई कंफर्म होगा, होगा नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, इसी टिकट पर चले जाएंगे। लेकिन अब जो इंडियन रेलवे है वो एक नया तकनीक लेकर आने वाला है और वो तकनीक AI है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका जो टिकट है वो कंफर्म मिलेगा। दरअसल होगा क्या कि जो वेटिंग टिकट का अमाउंट था, मान लीजिए 300-400 तक वेटिंग पहुंचता था, वो परसेंटेज घट जाएगा, 10% के तकरीबन में आपको वेटिंग टिकट मिलेगा। मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन चल रही है तो उसमें 50-60-100 जो है लिमिटेड 100 के आंकड़ों तक लिमिटेड जो है वो आपको टिकट वेटिंग का मिलेगा। अब वेटिंग का जो टिकट मिलेगा जिसमें संभावनाएं ज़्यादा हो, मतलब 90% से भी ज़्यादा हो कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए, हो सकता है कि आपका मेन टिकट कंफर्म हो जाए, नहीं तो आपका RSC में हो जाए, तो RSC में भी आप एडजस्ट करके जा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा कि कितने लोगों का टिकट कंफर्म होगा, कितने लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होगा, और वो पूरा का पूरा रेलवे का सिस्टम देखेगा किसमें खाली है, एंड मोमेंट पर कितना कैंसिल हुआ है, कितनी सीटें बची है, और उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर आउट करके AI जो है वो अपना काम करेगा और लगभग जितने भी वेटिंग टिकट होंगे उनको कंफर्म करने की कोशिश करेगा जो ऑलरेडी रेलवे में टिकट, जो उस ट्रेन में पर्टिकुलर ट्रेन में खाली है। तो अब AI के थ्रू जो है सारा फिल्टर आउट होगा और कम से कम लोगों को वेटिंग टिकट दिया जाए ताकि उन लोगों का जो टिकट है वो लगभग कंफर्म कर दिया जाए। तो एक बड़ा अपडेट जो है इंडियन रेलवे लेकर आ रहा है। काफ़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी, तो ऐसा लगता है कि 2025 तक वहीं लोग सफ़र कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा, या फिर यूँ कह लें कि रेलवे उन्हीं लोगों को टिकट प्रोवाइड करेगा जिनके पास कंफर्म टिकट होने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। तो इस तरीके का वेटिंग टिकट में बदलाव जो है वो होने वाला है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इंडियन रेलवे के इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, लेकिन लिमिटेड तो करोगे, लेकिन जो यात्री ट्रेवल करना चाह रहे हैं उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, उसके लिए इंडियन रेलवे क्या सोच रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट है वो क्या सोच रहा है, आप लोगों को इस पर क्या रियलाइजेशन होता है, इस पर प्रतिक्रिया करें। धन्यवाद।